शपथ लेता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब मेरा मोबाइल ना टूटे। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वेलकम। क्या हाल है, ठीक ठाक है सर? ये एक छोटा सा गिफ्ट आपको, उम्मीद है तो बुझाए मैं। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। मुबारक हो, बहुत अच्छा ही आपने किया। थैंक यू थैंक यू। पाकिस्तान का झंडा। यस यस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये आप स्पेशल लेके आए, बता रहे थे कि ओपनिंग क्लोज का है कुछ साइन इसमें, अभी खोल के देख लेते हैं। देख लेते हैं, लेट्स ओपन दिस। तो मैं खोल लूं अभी आपके सामने इसको। खोल ले सर। वाह भाई वाह यार, वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है ये लेके आए फहीम भाई, माशाल्लाह। और दूसरी साइड पे इसका ये क्लोज का भी है। ओह वाओ, वेरी नाइस क्लोज एंड काम आ गया, अच्छी बात है। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस सच एंड नाइस गिफ्ट। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रेस्टोरेंट की। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू दाना हट। थैंक यू सर। ये जी हमारा छोटा सा हट, होप यू आर गोइंग टू एंजॉय। लेट्स गो इनसाइड, कम ऑन। तो फहीम भाई, एक अपने दोस्त मिसिंग है अभी। हाँ, वो नहीं आ सके, उनकी कल सलाम। थैंक यू, थैंक यू। आप इतनी दूर से हैं, ये हमारा है दाना हट, आपने देखा है हट छोटा सा है, तो बहुत खूबसूरत बनाया आपने। थैंक यू वेरी मच। हमारे पाकिस्तान का झंडा देखे, बिल्कुल माउंट फूजी के बिल्कुल नीचे नीचे ये चीज। अंदर आ जाओ, वेलकम। आप आए, आप सब लोग माशाल्लाह, फहीम भाई आप भी आए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू थैंक यू वेरी मच आप सबका, आप आए और आपने हमारे इस छोटे से हट को चार चांद लगाया आके। तो अभी आपने जो खाना खाया है सब कुछ, सबसे पहले उमर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि ऐसा खाना आपने जापान में इससे पहले टेस्ट किया था। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा खाना नहीं है, जब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट माशाल्लाह बहुत मज़ेदार खाने पाते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन इस तरह से और इस तरह से आपने आज से पहले कहीं? शायद भाई हकीकत है कि अगर दाल के मामले में पूछा जाए तो ऐसी मजे की दाल मैं आज तक कभी नहीं खाई, क्योंकि हमारे पास है ही दाल बाकी। और ये बहुत ज़बरदस्त है, नहीं अगर कोई और डिश होती शायद वो भी मज़ेदार होती, जितना का मसाला आपका हाथ का टेस्ट है वो नज़र आए, बाकी बहुत ही मज़े का था। और दाल का टेस्ट मैं नहीं खाता, मैं आपको बताया कि मैं दाल आमतौर पर नहीं खाता, मैं ज़्यादा चिकन गोश्त वगैरह ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो शहर की दाल है वो वाकई इतने मजे की थी कि मैं रुका नहीं हूँ, मैं पूरे खत्म करने के बाद फिर मैं अपनी वीडियो बनाई। थैंक यू वेरी मच। तो इस हद तक यानी इंसान रुकता नहीं है, इतने मजे की हमने दाल बनाई, तो बड़ा मजा आया। और जो इसकी लुक है, रेस्टोरेंट की लुक है, जो इसकी जैसे में कहते हैं फूई की जो है, ये फूई की बहुत जरूरी होती है कि जब कस्टमर आता है तो रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स फील करे, और यहाँ पे आए तो उसे एक लगेगा एक एट होम है, यानी एक रिलैक्स होके जाए। तो इस तरह की बिल्कुल फीलिंग थी, ये नहीं थी हड़ा दूर को इस तरह करिए, आराम से BGM में आपने आराम से म्यूजिक लगाया हुआ है, आप अपना सामने बना रहे हैं, तसल्ली के साथ हमने खाना खाया, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको शेक कैसा लगा? शेक बहुत मजे का था, शेक भी यूनिक शेक का मैं सिर्फ इतना मुझे पता नहीं चला, लेकिन दाल वाकई बहुत मजे की है, शेक मजे का है, सही है। वो भी बहुत बेहतरीन है, एक डिफरेंट हट के शेक है, जैसे कि हम हमारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे उनपे थोड़ा डिफरेंट, उनमें ज्यादा यानी सिरप डाला होता है, ज्यादा मीठा किया होता है, लेकिन ये बाकी एक ओरिजिनल टेस्ट था, तो बहुत मजा आया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, बड़ा मजे का आपका रेस्टोरेंट है। थैंक यू जी। बोलो भाई आप बताएं, सच बोलना है, जो बोलना है सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मोबाइल निकालो इसका, मोबाइल जो बोलूंगा शपथ लेता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। अब मेरा मोबाइल ना टूटे, मेरा मोबाइल जी पूछे आप जी। आपको खाना कैसा लगा? सब खाना बहुत जबरदस्त, बहुत मुझे जो है, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो थी बहुत ही हेल्दी खाना था, एक होता है ना कि बहुत ही फ्राइड होता है या बहुत ज्यादा उसमें मसाले होते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, या बहुत ज्यादा जो है ऑयल होता है, तो हर चीज जो है मुनासिब, जिसको रियल में मतलब अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तानी घरों में इस तरह का खाना बने तो पाकिस्तान जो है वो जापानी की तरह वो भी 90-90 साल तक जीने लगे, इसलिए यही वजह है कि हम ऑयल ज्यादा घुसाते हैं, मसाले ज्यादा होते हैं, तो 60 में हो जाता है काम पूरा।
तो भाई मैं तो कहता हूँ हाथ दो, आपके हाथ चूम लूं मैं, इतना क्या बात है, क्या बात है, बहुत करो 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 ओके थैंक यू फॉर यू फिर भाई आप आए जी सर जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो फहीम भाई थैंक यू वेरी मच आप आए यहाँ पे और हमें इतनी इज्जत दी आके और खाना आपने खाया मैं बहुत परेशान था क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ जल्दी से आपको खाना पसंद नहीं आता कहीं तो मैं परेशान था तो आई होप यू एंजॉय टुडे दानाहट मील बिल्कुल योर रियल फीलिंग नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना बहुत अच्छा था खाने में तीन चीजें देखी जाती है ठीक है ना एक खुशबू देखी जाती है दूसरा उसका देखना देखने में कैसा है ठीक है ना वो देखी जाती है और तीसरा उसका टेस्ट देखा जाता है फिर इन्होंने तो एक स्पेशल उसके अंदर ऑप्शन लगा दिया था कि जो उसका जो भगार था ना वो बड़ा एक है ना यूनिक स्टाइल का था और आप देखेंगे तो ना वो जो है ना बड़ा मैंने नहीं देखा ऐसा भगार पहले ना और उसके पास जो है ना उसमें जो इन्होंने जो ऑप्शनल जो चीज़ें ऐड की हुई थी एग हो गया और सलाद के पत्ते और अदरक और अपना टमाटर भी था उसके अंदर ना उसने जो है ना उसका जो टेस्ट ना बाला बाला से बाला तरीन कर दिया समझे ना थैंक यू हाँ और मैं शेख का भी बोलना चलूँ कि मैं मीठा बहुत पसंद करता हूँ मेरे लिए बिल्कुल एक्यूरेट उसका टेस्ट था यानी कम भी नहीं था उसका जो मिठास जिसको बोलते हैं ना ज़्यादा थी मेरे ख्याल में कि ना मिठास जो है ना जो मेडिकल व्यू ऑफ पॉइंट से जो है ना 17 होनी चाहिए 17 एक मिठास का एक लेवल है ना मुझे वो फील हो रहा था कि ये 17 पे पूरा है या 13 पर है या फिर इससे आगे पीछे इधर ही कहीं होगा क्योंकि अगर 20 से ऊपर चला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है तो वो भी एक अक्यूरेंसी इन्होंने पता नहीं किस तरह अपना आपने मैनेज किया है तो मैं पसंद नफरत बहुत रखता हूँ तो मुझे बहुत पसंद आया शायद मैं दोबारा रिपीट के लिए आऊँगा नो प्रॉब्लम सर गंभीर को तो सही फिर कैसा लगा मैं भी बनाता हूँ खाना वगैरह मैं भी बनाता हूँ और उसमें थोड़ा सा एक क्रंच टाइप चीज आ रही थी वो एक डिफरेंट थी बाकी दालों वगैरह में कभी भी नहीं खाई इस तरह की चीज तो ये भी बहुत जबरदस्त एक आपका प्लस पॉइंट है सेल्स पॉइंट होता है ना तो ये आपके खाने का सेल्स पॉइंट आपको ये थोड़ा बड़ा जबरदस्त एक डिफरेंट चीज लगी है फिर ऊपर आपने सैलेड की ड्रेसिंग और प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त आपको खाने में मजा आया बहुत जबरदस्त थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस कमेंट्स थैंक यू भाई एक बार फिर बहुत डिलीशियस था 10 नंबर देने होते हैं मैंने 20 दिए इनको तो अब आप अंदाजा लगा लेंगे ना बहुत अच्छा होगा ठीक है ना आप लोग आए इनको ट्राई करें थैंक यू वेरी मच थैंक यू बहुत शुक्रिया सर भाई थैंक यू